एजेंडा है चुनाव का, इलेक्शन का, उसको भी संक्षेप में आपको मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। बीएससी नेशनल पार्टी एम टू अचीव ट्रिपल आर 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 आर, रेस्पेक्ट रेस्पॉन्स एंड राइट्स टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट विदाउट एनी इफर्ट। हम देना चाहते हैं सभी को सम्मान, सभी की जिम्मेदारी और सभी का अधिकार, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको देना चाहते हैं। हमारा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का जो हमारा मैनिफेस्टो भी हम आपके सामने संक्षेप में पढ़ देते हैं, जो हमने आप लोगों के लिए लेके आए हैं। क्या भैया जिसका मैनिफेस्टो हम आपके सामने पढ़ना चाहते हैं, माई मैनिफेस्टो सर्विस गारंटी सिस्टम, रोजगार गारंटी के साथ साथ सर्विस गारंटी, सर्विस गारंटी सिस्टम, हेल्थ गारंटी सिस्टम, एजुकेशन गारंटी सिस्टम, ये हमारे एजेंडे में है। तो जो हमारा सर्विस गारंटी सिस्टम फॉर ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अक्रॉस द कंट्री बाय इंप्लीमेंटिंग टायर 200, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस लेके आना चाहते हैं। रिस्पेक्ट, आपके सम्मान की सुरक्षा के लिए भी ये जरूरी है। रिस्पॉन्स एंड राइट्स, टाइटल गारंटी सिस्टम, यहां पर तेलंगाना की बहुत बड़ी समस्या टाइटल गारंटी और बड़ा भ्रष्टाचार होता है इसमें। तो टाइटल गारंटी सिस्टम which will enable the citizens to avoid all legal, civil and criminal disputes with regard to property ownership and possessions, boundary related problems, time bound judiciary system across the nation to assure justice to every citizen, free education, free health for every child and citizen of India, ऐसा भारतीय स्वदेशी कांग्रेस चाहती है। इनकम टैक्स विल बी एबोलिश्ड, नो मोर आईटी रेट, नो इनकम टैक्स, हम ये चाहते हैं। जड़ से ये समस्या को खत्म करना चाहते हैं। और मालूम है समस्या कौन लाए थे, ये काले अंग्रेज भारत देश से जाने के लिए जाते जाते जाने से पहले ये इनकम टैक्स लेके आए थे। गोरे अंग्रेज काले अंग्रेजों के लिए देंगे। आपको छोटा सा किस्सा हैदराबाद से निजाम से संबंधित किस्सा आपको सुनाता हूं। जब यहां पे मेघालय यहां पे आया और उसकी निजाम साहब ने नाक काट करके उसको जान से लेने वाला छोड़ दिया, तो वो यहां से 1857 के युद्ध के बाद जब बिहारे पत्रकार साहब थे उनके विचार भी ले जाइए, तो जब यहां से भागे तो वहां पे उनकी संसद में पूछा गया, भाई ऐसा क्या हुआ, क्या भाग गए? बोले साहब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी और स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी अच्छी है कि जब नाक काटी गई तो नाक को लेकर के दौड़ रहा था गांव में, तो वे गांव में गए। तो जब उस गांव में गए तो एक व्यक्ति ने देखा, दया भाई बोले तुम्हारी तो नाक कट गई, बोले अंग्रेज तुम्हारी नाक काट दी गई, लेकिन तुम चिंता न करो, ये भारत देश है, यहाँ का छोटा बच्चा भी ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था है, ऐसी स्वदेशी व्यवस्था है कि तुम्हारी नाक को जोड़ जाओगे, जब पप्पा रहते किनारे जाके मिल लो हमारे पप्पा से तो नाक जोड़ देंगे। तब वो वहां पप्पा के पास गया और जब पप्पा के पास गया तो पप्पा ने अगले एक मिनट के अंदर उसकी नाक जोड़ दी। तो मैं काले ने जाकर के अंग्रेजों के बीच में और लंदन में अपनी लोग अपनी संसद में दिखाया कि देखो किस तरह से हमारी नाक जोड़ दी गई थी। तो ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस वह पार्टी है नकदों की नाक कटने के बाद भी जोड़ देती है,
और अपराधियों की जान न लेकर के उनकी नाक काट करके भी उनको पनिश कर लेते हैं। ये निजाम थे हमारे हैदराबाद के। कांग्रेस भारतीय स्वदेशी कांग्रेस। मेरे पत्रकार साथियों, बड़ा हर्ष का विषय है कि हम लोग फिर जल्दी ही हमारे भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के हैदराबाद स्थित कार्यालय में आज हम सब उपस्थित हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस तेलंगाना में पहली बार स्टेट इलेक्शन लड़ने जा रही है और भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का यह प्रयास है कि हम लोग तेलंगाना की सभी सीटों पर चुनाव लड़ें और एक मजबूत सरकार हमें आपके बीच में दें। हमारे कुछ मुख्य एजेंडे हैं। तेलंगाना सरकार बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें पहला है कि तेलंगाना के अंदर भी हम सद्भाव और मानवता को बढ़ाएंगे। हमने देश के अंदर हुआ राजनीति करने के आए हैं जिसमें धर्म के लिए कोई स्थान नहीं, जिसमें मानवता है, इंसानियत है, विकास है, डेवलपमेंट है। और एक ऐसा समय हम आप सबका लेके आना चाहते हैं कि तेलंगाना का विलंबित व्यक्ति कहे कि भाई भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी जेबें मजबूत हो गई, हर गरीब की जेब मजबूत होगी, हर गरीब का बच्चा सारी पढ़ाई निःशुल्क करेगा, हर गरीब का बच्चा यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था निःशुल्क पाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी निःशुल्क पाएगा। यहाँ का सारा समाज गरीब अमीर की खाई को अनपाटना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी को शिक्षा स्वास्थ्य मौलिक अधिकार के रूप में मिले। वह संकल्प भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके बीच में, आपके माध्यम से तेलंगाना से लेकर भारत देश के कन्या से कुमारी से लेकर के कश्मीर तक लोगों को देना चाहते हैं। रोजगार गारंटी, रोजगार गारंटी अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति को, भाई को, बहन को, बेटी को, माँ को, सबके लिए रोजगार की व्यवस्था सरकार करके देगी। वह सरकार भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपके बीच में तेलंगाना में बनाना चाहते हैं। सबको घर पे रोजगार, घर घर रोजगार, घर घर कारोबार, घर घर नौकरी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको देगी। हमेशा समय लेके आना चाहते हैं और ये समय कोई बात नहीं है, यह आपके भाई संजय अग्रवाल का तेलंगाना की जनता के साथ संकल्प है, वचन है। आप सरकार बनाइए, शिक्षा स्वास्थ्य कारोबार नौकरी रोजगार ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस आपको देगी। पत्रकार भाइयों के लिए भी हमने कहा है कि देश का चौथा स्तंभ अगर मजबूत रखना है तो उसको रोजगार कारोबार नौकरी से मजबूत किए। गरीब को भी मजबूत करना है तो गरीब को भी मजबूत करने के लिए उसकी न्यूनतम आय को फिक्स करिए। तो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस इस संकल्प के साथ कहती है कि प्रति व्यक्ति आय हमारी सरकार बनाए मिनिमम प्रति व्यक्ति आय 30,000 रुपया महीना न्यूनतम। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अपनी सरकार बनने के साथ साथ वचनबद्धता के साथ आपको देगी, प्रतिबद्धता के साथ आपको देगी। उसके लिए हमारे पास पूरा फार्मूला प्रसिद्ध है, आप कोई भी पत्रकार पूछना चाहेगा हम उसके लिए पूरी योजना लेके आए हैं। पत्रकार भाई इतनी मेहनत करते हैं, इतना संघर्ष करते हैं, खबर बुलाते हैं, सब की जांच करते हैं, आपका भी न्यूनतम मानदेय फिक्स कराए कि भारतीय स्वदेशी రిక్వైర్స్ బిల్ ఎవరికి దొరకట్లేదు. దీనిలో చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ దీనికి తెలుసు. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ట్రేడ్ సర్వీస్ మన తెలంగాణలోనే ట్రేడ్ సర్వీస్ కింద అంటే ఎలక్ట్రీషియన్ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ
ప్లంబింగ్ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ కార్పెంటరింగ్ పనిచేసే వాళ్ళు కానీ వాల్ సీలింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ ఫ్లోర్ చేసే వాళ్ళు కానీ పెయింటింగ్ చేసే వాళ్ళు కానీ మనకి దొరుకుతున్నారా, అవైలబుల్ ఉన్నారా, విలువలు పంపుతున్నారా, తక్కువ రేట్లు దొరుకుతున్నారా తెలంగాణలో? దేర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ షార్టేజ్. కానీ వాళ్ళకి ఉన్న అన్ఎంప్లాయ్మెంట్కి ప్రాపర్ దాన్ని ట్రైనింగ్ ఇచ్చేది కానీ వాళ్ళని కుటుంబ పనిలోకి పంపించగలిగే విధానం మన దగ్గర లేదు. అలాగే మన ఉద్యోగస్తులలో చేసుకునే ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ఇండస్ట్రీస్ స్వదేశానికి ఎందుకు పేరు పెట్టామంటే భారతదేశంలో 200 ఇయర్స్ ప్రకారం ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు. బిఫోర్ గవర్నమెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకోండి, కుల వ్యవస్థల ప్రాబ్లం తప్ప ప్రతి ఒక్కరికి వర్క్ ఉండేది, ప్రతి ఒక్కరికి బిజినెస్ ఉండేది. ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లేక కులవాణి వ్యవస్థలు రద్దు కావడం వల్ల స్వదేశీ ఏదైతే వ్యవస్థలు ఉన్నాయో వాటిని పునర్ధరించడానికి అలాగే డైరెక్ట్గా పనిచేసుకునే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ చదువుకునేటప్పుడే వొకేషనల్ కోర్స్ 10th క్లాస్ వరకు వాళ్ళకి 10 రకాల విద్యలు స్కూల్లో నేర్పించే అవకాశం ఉంది. నేనే ఎగ్జాంపుల్, నేను 10th క్లాస్లో 5 కోర్సులు వొకేషనల్ నాకు ఉన్నాయి. ప్రింటింగ్ ప్రెస్ నేను నేర్చుకునే సౌలభ్యం నాకు ఉంది సొంతంగా. ఆ రోజుల్లో కంపోజింగ్ చేసేవాళ్ళు పెట్టి మీకు చాలా మంది తెలుస్తుంది తెలుగు ఇంగ్లీష్ కంపోజింగ్, అటువంటి కంపోజింగ్ కూడా నేను 10th క్లాస్ నేర్చుకున్నాను. రేడియో తెలుగు రిపేర్ నేర్చుకున్నాను, అవుట్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకున్నాను, నర్సరీ గార్డెన్ నేర్చుకోవడం నేర్చుకున్నాం, అలాగే హార్డ్వేర్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సర్వీస్ నేర్చుకున్నాం. బిఫోర్ 10th క్లాస్ ఇవన్నీ కూడా స్కూళ్ళల్లో విద్యలో నేర్పించాలి. అప్పుడే వాళ్ళకు ధైర్యం వస్తుంది, నేను 10 రకాల పనిచేయగలుగుతాను. సో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అనే మాట రాదు. ఆ తర్వాత అతను టాలెంట్ అవకాశాన్ని బట్టి ఏ స్థాయికైనా పోగలుగుతాడు. కాబట్టి వొకేషనల్ విద్యకి మన ప్రైమరీ విద్యలోనే పెట్టడము, అలాగే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ మీద బాగా ఫోకస్ పెట్టడము, గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్లో కూడా లిమిటెడ్ ఒక సీలింగ్ శాలరీ పెట్టుకొని ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చే విధంగా చేయాలని భారతీయ ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ప్రపోజల్ ఉన్నది. ఎంప్లాయ్మెంట్ పెంచేదే మెయిన్ ప్రోగ్రామ్గా ఉంది. अंग्रेजों ने यहाँ पर शासन करने के लिए यहाँ आए तो वो इनकम टैक्स भारत देश को थोप दिया कब्जा करने के बाद. अंग्रेजों का लगाया हुआ ये इनकम टैक्स है जिससे उन्होंने पता किया कि भारत कैसे किस तरह से यहाँ पर ये एक शासन हो गया. बोले साहब 1857 की लड़ाई में यहाँ के व्यापारी इतने सक्षम है कि उन लगभग 450 रुपए चंदा दिया अंग्रेजों से लड़ने के लिए, लोहा दिया, बारूद दिया, सब कुछ दिया, जिससे अंग्रेजों को खदेड़ करके भगाया गया. तो मैं उन व्यापारी भाइयों को भी कहता हूँ कि हम आपको सदा प्रोटेक्शन दिए है, सरकार बनाई है पूर्ण प्रोटेक्शन देंगे आपको. ये वो पूर्ण प्रोटेक्शन हम देंगे कि आपको कोई भी आदमी बाजार नहीं कर पाएगा, आपको हरा नहीं पाएगा. ऐसी व्यवस्था भारतीय स्वदेशी कांग्रेस करेगी आपके बीच में. फिर हम आपको बताना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबल एमएलएस एमपी एंड नॉट रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट असेंबलीज विदाउट गिविंग इन पर्सनल आर्गुमेंट वर्किंग and understanding problems of social security.